एक बात जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि जो कांग्रेस ने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए और वही वायदे जो है वो नगर निगम की जनता से कर रहे हैं। मगर ये जो वायदे हमने किए थे वो हमने कोई ऐसा थोड़ी कि पहले महीने में या चार महीने में पूरे करने की बात की थी, और ये जो वायदा है हमने फर्स्ट फेज में हमने हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1 अप्रैल 2023 से पेंशन को शुरुआत कर दी है। कहीं भी अस्थाई टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा कि सरकार ने शिक्षा निदेशक उपनिदेशक के माध्यम से नियुक्तियां करने जा रही है। किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्तियों का सरकार की कोई मंशा नहीं है। जो कमेटी है उसे सिर्फ ये कहा गया है कि आप जहाँ जहाँ शिक्षक खाली है उन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। उसमें हमको ज़्यादा छेड़छाड़ दिख रहे, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि स्कूलों में खाली पद भरने चाहिए। अब ये परमानेंट भर्ती तो नहीं होगी, होगी तो ये मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, या मान लो 2 साल के लिए होगी, 3 साल के लिए होगी, या जब तक रेगुलर नहीं आएगा उस आधार पर होगी। मगर अभी ये स्टॉप गैप ये जो है फाइनलाइज नहीं हुई है। हमारी सरकार ने फैसला किया है, जो संस्थाएं बीजेपी के लिए 900 संस्थाएं खोली थी अपने आखिरी 6 महीनों में उसको निरस्त किया गया, और एक कमरे में जो है वो तहसील है, सब तहसील है, दफ्तर खोल दिया। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो ये मान के चलो आप सालाना 5,000 करोड़ रुपए का जो है बोझ जो है हिमाचल की सरकार ने फर्स्ट कैबिनेट का वेट कीजिए, और फर्स्ट कैबिनेट के लिए 100% आपकी पेंशन बात करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। सब कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा है कि उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। सिर्फ 10 दिन में लागू कर देखिए, आपने कहा सिर्फ 10 दिन में, बोला एक होला, एक 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 महिला होला तो 1500 रुपए, दो ही होला तो 3000, त्राय होला तो 4500, चार होला तो 6000। एक उर्दू की भाषा में बोला है। 18 साल से 60 साल की जो महिला है, बेटियां है, या हमारे जो माताएं बहने हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना। ऐसे ही सरकार बनेगी, 1 हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500-1500 रुपए होंगे। तो इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा, और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। एक लड़की 1500 रुपया, दूसरी लड़की 3000 रुपया, एक बहू 4500 रुपया, एक सास 6000 रुपया। बयान दागने के लिए चर्चाओं में रहने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बोले, कांग्रेस ने नहीं किया था 3 गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरी करने का वादा। 2 दिन पहले हर्षवर्धन के अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी बयान पर मुख्यमंत्री को देना पड़ा था स्पष्टीकरण। टेम्पररी टीचर संबंधी अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हुए उद्योग मंत्री ने कहा, हमने प्रपोजल दी थी, उसे मानना न मानना सीएम व सरकार का काम। एमसी शिमला इलेक्शन को लेकर आयोजित पीसी में हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जमकर कोसा। हर्षवर्धन के अनुसार जयराम ठाकुर को न तो अब समझ थी न अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में समझ है। हिमाचल में कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार के सत्ता में आने के बाद बड़े बड़े बयान दागने के लिए सीएम से ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि गत विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा ओपीएस महिलाओं को पेंशन व 1 लाख रोजगार जैसी पहली 3 गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरा करने का वादा नहीं किया गया था। उद्योग मंत्री के इस बयान को लेकर अब चर्चा इस बात के शुरू हो चुके हैं कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अथवा उसके मंत्री महज 4 माह के भीतर अपनी गारंटी अथवा वादों से पल्ला झाड़ने में लगे हैं। भाजपा द्वारा फर्स्ट कैबिनेट के बजाय 4 माह में भी वर्तमान सरकार द्वारा कोई भी गारंटी पूरी न किए जाने का मुद्दा बार बार उठाए जाने पर उद्योग मंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन पर, महिलाओं को हर माह 1500 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने की कमिटमेंट अथवा गारंटी पूरी कर चुकी है, जबकि नौकरियां दिए जाने के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी गठित की जा चुकी है। नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर आज कांग्रेस अथवा प्रदेश सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए पत्रकारों से बातचीत में हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी तीखे तंज कसे और कहा कि उन्हें ना तो बतौर मुख्यमंत्री समझ थी और ना ही अब ओपोजिशन लीडर की समझ है।
सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले हर्ष बादर ने कहा कि मुफ्त पानी जैसे लोग लुभावने वादे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के इलेक्शन में करने वाले जयराम ठाकुर यदि चाहते हैं तो पिछले 5 साल में जब एमसी शिमला हिमाचल व केंद्र में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार थी तो उस दौरान भी ऐसा कर सकते थे। एमसी इलेक्शन के बाद हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्कू सरकार को भाजपा द्वारा गिराए जाने के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 40 विधायक मजबूती से मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं और भाजपा जितना मर्जी जोर लगा ले यहाँ ऑपरेशन लोटस नहीं चलने वाला। प्रियंका गांधी सहित कई आला कांग्रेस नेताओं द्वारा नवंबर 2022 में हुए विधानसभा इलेक्शन के दौरान किए गए फर्स्ट कैबिनेट व 10 दिन के भीतर ओपीएस लागू करने, महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरी जैसी गारंटी पूरी करने के वादे संबंधी वीडियो हर्षवर्धन के आज के बयान के बाद सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहे हैं और लोग इसे महज 4 माह के भीतर कांग्रेस तथा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा अपनी 10 इलेक्शन गारंटी से पल्ला झाड़ना भी करार दे रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जनवरी व फरवरी माह में 900 संस्थान बंद किए जाने, मार्च में प्रदेश के 75,000 करोड़ के कर्ज में डूबने व इस माह स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी बयान के चलते मुख्यमंत्री से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले हर्षवर्धन चौहान को विपक्ष अथवा भाजपा के कुछ लोग बड़बोले व बयान बहादुर मंत्री भी करार दे रहे हैं। गौरतलब है कि अपनी सब कमेटी का हवाला देते हुए उद्योग मंत्री द्वारा जारी किए गए प्रदेश में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती संबंधी बयान पर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को सफाई देनी पड़ी थी और उन्होंने ऐसी किसी भी भर्ती से इनकार करते हुए कहा था कि सब कमेटी को केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पड़े पदों को लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। एक बात जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि जो कांग्रेस ने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए और वही वायदे जो है वो नगर निगम की जनता से कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि विधानसभा के चुनाव में हमने 10 वायदे किए और इस सरकार का कार्यकाल केवल अभी 4 महीने हुआ है और किसी भी सरकार का जो 4 महीने का कार्यकाल है वो बहुत थोड़ा होता है, मगर ये 4 महीने का कार्यकाल भी जो है वो उपलब्धियों भरा है। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लागू किया है और एनपीएस जो है उसको नोटिफिकेशन से बंद कर दिया है। हमने अपना पहला वादा जो है वो पूरा किया है। हमने दूसरा वादा किया था कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन के रूप में देंगे। ठीक है, आर्थिक बोझ पड़ना है, बहुत पड़ेगा इसके ऊपर बोझ, मगर ये जो वायदे हमने किए थे वो हमने कोई ऐसा थोड़ी कि पहले महीने में या 4 महीने में पूरे करने की बात की थी। और ये जो वायदा है हमने फर्स्ट फेज में हमने हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1 अप्रैल 2023 से पेंशन को शुरुआत कर दी है। हमने जो कमिटमेंट की थी हमने उसको पूरा किया है। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल किसकी सरकार थी? जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो उनको जो ये वायदे हैं जो आज ये नगर निगम के लोगों से कर रहे हैं, आज ये वायदे कर रहे हैं उस वक्त तो किया नहीं। और जो यहाँ है हिमाचल में तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार और नगर निगम शिमला में स्पष्ट बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी का था। जिन लोगों ने, जिस सरकार ने 5 साल अपने वायदे पूरे नहीं किए वो आज वायदा कर रहे हैं, और क्या उनकी स्थिति इन वायदे को पूरी करने की है? क्या ये समझते हैं कि नगर निगम शिमला की जो जनता है, नगर निगम का जो वोटर है वो इनकी बातों में भ्रमित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे ना तो 5 साल वो तो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर सके, और जयराम जी को जब मुख्यमंत्री के रूप में भी समझ नहीं थी और मैं कह सकता हूं वो विपक्ष के नेता के रूप में भी समझ नहीं है या वो समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी कहते हैं ना ख्याली पुलाव है, कहते हैं ना मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये बात आज से थोड़ी हो रही है, ये तो जिस दिन हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट निकले थे 8 दिसंबर को जिस दिन हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट निकले थे उस दिन से ये बातें चल रही हैं, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस। आज सरकार को बने हुए 5 महीने हो गए। हमारा दावा है कि ये सरकार, कांग्रेस की सरकार मजबूत है और पूरा 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने तो 11 दिसंबर को गोद ले ली और मंत्रिमंडल का विस्तार तो 8 जनवरी को हुआ है।
तब भी कह रहे थे ऑपरेशन लोटस हो रहा है, जो ऑपरेशन लोटस और सरकार गिर रही है। एक महीने के कार्यकाल में भी भारतीय जनता को कहा कि नहीं जी मंत्रिमंडल नहीं बन रहा है, कोई नाराज है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में 40 विधायक जो है मजबूत हैं। हम अपना 5 का कार्यकाल जो है वो पूरा करेंगे और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी जोर लगाना है वो लगा ले, कांग्रेस की सरकार मजबूत है। मैं कल देख रहा था आज मीडिया में भी किसी भाजपा के नेताओं ने कहा जी की सरकार गिर रही है, हमारे संपर्क में है, हमारे संपर्क में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस की सरकार ही मजबूत है। सेनेट सब कमेटी में तो बहुत सारे प्रपोजल आए हैं, मतलब नंबर वन इज रेगुलर भर्ती हो, कमीशन से हो, 2-3 प्रपोजल थे। तो वो जो है ये हमने वी हैव नेवर डिसाइडेड, कैबिनेट सब कमेटी ने तो एक्सप्लोर करना है, प्रपोजल्स को एग्जामिन करना है, उसके प्रोज एंड कॉन को देखना है और फिर कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन करके वो कैबिनेट को और चीफ मिनिस्टर को देना है।